अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मिले हमारी वीडियो आपको सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू होम किचन। जी तो जनाब, बहुत मज़ेदार सी आज हमारे होम किचन में बिल्कुल यूनिक सी बन रही है चिकन जल फ्रेजी कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। तो हमने सोचा कि हम भी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलते हैं हमारे होम किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी झटपट सी चिकन जल फ्रेजी कढ़ाई। चिकन जल फ्रेजी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया आधी प्याली। अब मैं इसमें चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो चुका है। इसमें मैंने ये हाफ के जी चिकन ले लिया है बोन के साथ, जैसे कि हम लेते हैं। इसको बहुत अच्छा गोल्डन फ्राई करेंगे और फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस वही होंगे, बस खास बात यह है कि हम इसमें शिमला ऐड करेंगे और टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है वो डालेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चिकन हमारी गोल्डन हो चुकी है, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पेस्ट डालूँगी, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। ये मैंने 3D पेस्ट बना लिया है, आप चाहें तो इसको हरी मिर्चों को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा हम स्पाइसी चाहिए हमें। और साथ ही हम इसके डाल देंगे काली मिर्च। तो हमने एक बड़ा चमचा रखा हुआ है पीस के। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। ज़ीरे को हमने भून लिया था, फिर उसको कूट लिया था। और उसके साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 ली टमाटर का पेस्ट मैंने ले लिया था। ये सारी चीज़ें एक साथ करके हम इसको अच्छी तरह, इसी में चिकन भी गल जाएगी और बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई और मिक्सिंग करेंगी। बहुत जल्दी से बनने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट सी कढ़ाई है। इसमें कोई लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, सिर्फ हरी मिर्चें और इसमें काली मिर्च। नमक हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें कम ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे और आंच को हमने तेज़ ही रखना है। ये देखें चिकन हमारी भुन चुकी है और बस इसको हमने भूनना है। ये ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो इसके ऊपर डालना है वो हम शिमला मिर्च, हरी मिर्च, जूलियन कटिंग किए हुए और प्याज डालेंगे, तो ये हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा ये देखें, अब मैंने ये हाफ प्याज ले लिए, इसको ये स्लाइसेस कर लिया है मोटा मोटा सा। इसको मैं डाल दूँगी, ज़रा क्रंची होना चाहिए और ये मैंने ली है 1 शिमला मिर्च, इसको ये जूलियन कटिंग कर लिया है, ये हम डालेंगे। हरी मिर्चें हैं जूलियन, ये डाल देंगे और हरे धनिए को बाद में डालेंगे और अदरक भी डाल देंगे। अब हम इनको करेंगे मिक्स। ये देखें इसको मैंने थोड़ा सा पानी, यानी 2 से 3 चम्मच पानी डाल लिया था और मसाला बस हमारा लगे नहीं ज़्यादा। इसको हमने मिक्स कर देना है और इसको हमने करना है 5 मिनट के लिए कवर, ताकि ये हमारा हल्का सा जो इसका क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाए। हमने बिल्कुल कम्प्लीटली इसको कुक नहीं करना, शिमला प्याज और हरी मिर्च को। अब लास्ट में मैं डालूँगी बाकी के मसाले, काली मिर्च, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, जो हमने बचाया था वो डाल लिया है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये हमारी चिकन जल फ्रेजी कढ़ाई बनके एकदम से तैयार है। हम इसको सर्व करेंगे नान के साथ।
जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की झटपट से बनने वाली चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हम इसको कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। कढ़ाई, आप जब तक कढ़ाई में ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। और ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत मज़ेदार होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मिलते हैं हम कल एक और नई रेसिपी के साथ, आसान सी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें।